बिहार में अब वक्फ बोर्ड की हिफाजत की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में होगी, और अब जब बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेता वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा। वक्फ बोर्ड के जितने भी प्रॉपर्टी हैं बिहार में खासतौर से, उनके हिफाजत संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथ में होगी। इसलिए कि जिस तरह से एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, अब बंटवारा हो गया, यानी बोर्ड और आयोग में कौन सा आयोग कौन सा बोर्ड किसके खाते में जाएगा, इसकी तैयारी हो गई और पूरी बातचीत हो गई है। पूरे तरीके से बंटवारा हो गया कि आधा आपका आधा हमारा और बाकी छोटी छोटी पार्टियों के उसमें मेंबर होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सा बोर्ड कौन सा आयोग किस पार्टी के खाते में गया है। 10 बोर्ड और 10 आयोग जेडीयू और बीजेपी ने बांट लिया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए ये बता रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जनता दल यूनाइटेड के हैं मौजूदा वक्त में, अब वो नहीं होंगे। अब जब नए बोर्ड के चेयरमैन का गठन होगा तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नेता ये जिम्मेदारी संभालेगा। आइए बताते हैं भाजपा के हिस्से में जो 10 बोर्ड आयोग गया है उसमें किसान आयोग, सवर्ण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल श्रमिक आयोग, सुन्नी वक्फ बोर्ड, जबकि जेडीयू के खाते में था ये, लेकिन अब गठबंधन के इज्जत आबरू रखने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड बीजेपी के खाते में चला गया है। उसके आगे सुनिए, पिछड़ा वर्ग आयोग, युवा आयोग, व्यापार आयोग एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड। अब जेडीयू के खाते में जो जो बोर्ड आयोग गए हैं उसकी लिस्ट सुन लीजिए आप। महिला आयोग जेडीयू के खाते में, अल्पसंख्यक आयोग, अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग, शिया वक्फ बोर्ड आयोग, जो शिया वक्फ बोर्ड है वो, बाल संरक्षण आयोग, मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं नागरिक परिषद। यानी तो कुल मिलाकर के बंटवारा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को 10, जनता दल यूनाइटेड को 10, शिया वक्फ बोर्ड जेडीयू के खाते में, सुन्नी वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में। जिस बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर मुसलमान ये इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी को ये लोग हड़पना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत जो चेयरमैन करेंगे वो चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के होंगे, ये तय हो गया। अब तक जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुकूमत है तब से ये जेडीयू के खाते में ही रहा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद लगता है कि उनकी पार्टी के नेता या उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड की हिफाजत सलीके से नहीं कर रही, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में इसे दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर के हमने लिस्ट बता दी, जेडीयू के खाते में इस वक्त शिया वक्फ बोर्ड चला गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।